की खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार को लेकर हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अक्षय कुमार कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। आखिरकार मामला क्या है बताएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है साल 2016 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम से। इस फिल्म में एक सीन की वजह से अक्षय कुमार अब कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने इस फिल्म के एक सीन में वकील को बेशर्म कह दिया था, जिसके चलते अब अक्षय कुमार मुसीबत में फंस चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस सीन में वकील को बेशर्म कहने की वजह से फरियादी मनोज गुप्ता की याचिका पर कटनी की अदालत ने नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ अक्षय कुमार को नोटिस भेजा है और 10 मार्च को पेश होने का आदेश भी दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2016 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रुस्तम में एक सीन में संवाद के दौरान वकील को बेशर्म कहने की वजह से फरियादी मनोज गुप्ता ने कटनी की अदालत में याचिका दायर की है। कहा जा रहा है कि फरियादी खुद पेशे से वकील है और उन्होंने इस फिल्म को अपने साथी अंशु मिश्रा के साथ देखा था। उन्होंने याचिका में जिक्र किया और कहा है कि फिल्म के एक सीन में अक्षय कुमार और दूसरे कलाकार अनंग देवाई ने अदालत की कार्यवाही के दौरान जिस तरह से वकील के लिए बेशर्म शब्द का प्रयोग किया है, जो कि सरासर गलत है। साथ ही साथ ये शब्द किसी भी व्यक्ति की विधिक कार्य प्रणाली को चुनौती देने वाला है और पेशेवर जीवन को ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसे में वकील को बेशर्म शब्द से संबोधित करने की वजह से समस्त वकीलों की मानहानि हुई है और इस तरह से मनोज गुप्ता ने शिकायत दर्ज की है इस मामले को लेकर। फिल्म के चलते ही अक्षय कुमार अब मुसीबत में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार के अलावा एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के चेयरमैन सुभाष चंद्रा, डायरेक्टर टीनू सुरेश देसाई के साथ साथ कई लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज, ईशा गुप्ता और अर्जुन बाजवा भी नजर आए थे। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।